अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में बारिश आफत बनी हुई है। बूंदी जिले के केशवरायपाटन में एक मकान ढह गया, जिससे एक ही परिवार के 7 लोगों की दबने से मौत हो गई। मलबे से शवों को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों में 4 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि नगरपालिका द्वारा नावघाट के पास टीले से मिट्टी का कटाव रोकने के लिए 3 साल पहले ही चंबल किनारे सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। लगातार हो रही बारिश से सुरक्षा दीवार टूटकर मकान पर गिर गई, जिससे ये हादसा हो गया। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रामफुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामफुल, सुरक्षा दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया, क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, बूंदी जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र में सुरक्षा दीवार डरने की वजह से 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 7 के शवों को बाहर निकाल कर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। साथ ही अब अंतिम संस्कार की तैयारी वहां पर शुरू की जा रही है। जी रामफुल, सुरक्षा दीवार बनाई थी सुरक्षा के लिए, लेकिन बारिश इतनी तेज है, इसमें लापरवाही मानी जाए प्रशासन की? जी बिल्कुल, सुरक्षा दीवार को लेकर कई बार वहां से हटाने को लेकर इस परिवार को लोगों ने मांग की थी। कभी भी तेज बारिश के चलते बड़ा हादसा होने की पहले से अंदेशा जताया जा रहा था। ऐसे में कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही सामने नजर आती है। लेकिन आज ये पूरे प्रदेश में दिल दहलाने वाली घटना है। यहाँ पर केशवरायपाटन क्षेत्र में 7 लोगों के शव मलबे में दब गए। काफी मशक्कत के बाद में रेस्क्यू करा, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी केशवरायपाटन में मौजूद है। खुद कलेक्टर एसपी भी घटना स्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया, हालातों का जायजा लिया और पोस्टमार्टम होकर अब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शवों की अंत्येष्टि की तैयारी चल रही है। मृतकों के गांव जहां पर है वहां पर पूरे गांव में शोक की लहर छाई हुई। जी रामफुल, अधिकारी पहुंचे हैं यहां पर, तो किसी तरह का परिवार को मुआवजे का निर्णय लिया गया है या ऐलान किया गया है परिवार के लिए? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी घटना को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही जो क्षेत्रीय नेता है उन्होंने सीएमओ को मामले की जानकारी से अवगत कराया है। साथ ही नियमानुसार जो मुआवजा आर्थिक राशि होगी मृतक के आश्रितों को, उसको दिलाने के लिए वो पूरी प्रयास करेंगे। हालांकि प्रावधान है कि ऐसे आश्रितों के तहत राज्य सरकार द्वारा फिक्स राशि सहायता दी जाती है जो मृतकों के आश्रितों को दी जाएगी। जी रामफुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी रामफुल हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि 7 परिवार के लोगों का शव निकाला गया है और अंत्येष्टि अधिकारियों के सामने की गई है।